बोर्ड की डोरी है प्लास्टिक वाली है ना, पंखे घूक में उसमें डाल के वो फांसी ले गया। मेरे को तो मालूम हुआ बाज ले करा टॉर्चर करे थे वहाँ, फिर आवे थे उनके एक धमकी भी दे के जावे थे। लड़के के घरवाली थी उससे बात नहीं करने की उसकी सासू ने, फिर वो कुछ बात उसने अंदरूनी बताई नहीं। उसने बस इतना कहा है कि भाई इससे अच्छा मरना ही बेहतर है जो। लेकिन जब से इसकी शादी हुई वो परिवार ने इतना टॉर्चर किया, इस बच्चों को इतना टॉर्चर किया, बार बार आना, धमकियाँ देनी, उठा ले जाना, बच्चे इनके रुड़ते फिर रहे दोनों के दोनों। नहीं कुछ नहीं, बल्कि उसका साथ दिया गया, उसके फुल दबाव दिया गया मेरे भाई पे, और उसको एक मजबूर किया गया सुसाइड करने में। मुकदमा एक इसकी पत्नी और तीन इसके साढ़े और दो इनकी रिश्तेदारी में लगते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। नमस्कार, मैं सोनम, और आपको बता दें कि इस समय सफ़ीदों के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, जिसमें कि एक सुसाइड का मामला सामने आता है, जिसमें कि लगभग 33, 34, 35 साल का जो युवक है फांसी लगा लेता है। क्या कुछ पूरा मामला है, गांव के लोगों से बातचीत करेंगे, बाकायदा उनके पिताजी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम कि भी लड़के ने फांसी क्यों लगाई, क्या कुछ पूरा मामला है। चार बरस हुए हैं शादी ने, और उदने की आई है, उदने का यही रोड़ा रहा था आपस में, टॉर्चर करे थे वहाँ, फिर आवे थे उनके एक धमकी भी दे के जावे थे भाई, ये कह रहे थे कि भाई मारी तरफ जा रोड़े नौकरी कर, बदली करवा अपनी। अच्छा, वहाँ मकान बना रोहतक के अंदर, टीचर था जी साइंस का वो, और वो घर के साथ रह करा जी था बस, इसी वजह से हो रहा था कि वो कई बार उन्होंने पैसे मांगे, वो पैसे भी दिए गए हैं, फिर भी वो को नहीं आई गए हर महीने जिस तरह की बात। एक 14 साल में लाए जी, 14 साल में ना 14 महीना में, फिर 20 दिन के बाद फिर बोले छोड़ गाँव मैंने, फिर करके फिर आगे 8-10 वहाँ धमकिया दे के जावे कि भाई मारी छोरी ने तंग रख है, और फिर गांव की पंचायत भी गई है, गांव के सरपंच थे वह घर भी ले गए, हाँ भाई बुझो इससे क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा करी है, उनकी भी नहीं चली वहाँ, उसे क्या समझाया सरपंच, बहुत ही कई बार गए, हफ्ते में एक बार सरपंच घर जा लिया था समझाने खातर, फिर वो नहीं मानी, तो ये धक्के पाई से वो घर अपने ले गए उसके भाई है कहना, और अपने कोशिश बतेरी कि रोकने की नहीं रुके मैं, वो लगभग 2.5 महीने के आसपास हो गए उन्हें ले जाए, तो अभी भी उनका ना कोई फ़ोन है, तो 3 दिन पहले ही लड़के की बात हुई वहाँ, उसका बड़ा साला बहादुरगढ़ रहा है, उससे बात हुई कि भाई मैं लेने के लिए आऊँ हूँ, तो उसने आसपास देखा कि भाई मैं तेरे को पता दूंगा, मैं घर जाऊँ घर ते बतला के ना, और फिर तेरे को बताऊँगा, उसने कुछ जवाब नहीं दिया उस लड़के ने, उसका वेट करके ना फिर बातचीत हुई, उसको फिर फोन नहीं मिलाया, तो फिर उसने घर मिलाया उसकी सासू के, उसकी बात लड़के ने मारा के बताई नहीं, भाई इतना बताया कि भाई उसकी बात नहीं होने दी, जो लड़के के घरवाली थी उससे बात नहीं करने की उसकी सासू ने। अच्छा, फिर लड़की है मेरे पास 3 साल की, कि उसने कहा कि भाई इसकी मम्मी की लड़की की बात करवा दो। कितने बच्चे हैं उसके? 2 बच्चे हैं जी, 1.5 साल की लड़की है और बड़ी लड़की 3 साल की है। दोनों आपके पास हैं? नहीं, छोटी लड़की उसके पास है और बड़ी लड़की हाँ हम स्कूल में भेज रहे हैं उसको, उसने हम लिए आए थे, और जब वो दिन गई हमने बोल दिया था हमें भाई इसका दाखिला करा के पैसे भरा हमने प्राइवेट में, तो इन्हें स्कूल में जाना है, फिर उसकी बात देखने ये गए लेन उसको, फिर वो लड़की अपने आप ही उसके साथ हो ली को नहीं रही, और कोई अच्छा व्यवहार नहीं था उसकी मम्मी का उस बच्चे के साथ, और उसके साथ लग ली वो ये बिल्कुल ठीक रहे है, अगर उसकी मम्मी का निकाह देनी पड़े तेरी मम्मी के पास छोड़ जाऊँगा, अभी बच्चा किल की मार कर रोने लगी है, क्यों नहीं तो उसने घर तक कोई लगाओ ना बच्चा तो लगाओ या उसका, तो फिर वो कुछ बात उसने अंदरूनी बताई नहीं, उसने बस इतना कहा है कि भाई इससे अच्छा मरना ही बेहतर है, जो मेरे साथ मेरे लड़के ने हमने फिर समझाया बतेरा,
फिर शाम ने भी समझाया हमने, सारी रात जागते रहे हम। फिर महा थोड़ा हादी लाहौस आया, वो थोड़ा वो सो गया, माले ही सो गया, महा कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा हा बस घर से गली में गया हूँ, गली में घर के उसने बेरा पट गया भाई, या छोटा उसका भाई था वो भी चले गया, तो उसने देख लिया भाई कोई नहीं है, ऊपर चवार चढ़ गए और वो एक बोर्ड की डोरी है प्लास्टिक वाली है, कहना पंखे घूक में उसमें डाल के वो फांसी ले गया। मेरे को तो मालूम होया बाज ले करा भाई, ये इस तरह बन गया, मैं इतना आया इतने तो वो मर चुका था। कोई सुसाइड नोट भी छोड़ के गया? हाँ जी, वो छोड़ के गया है। उसमें क्या कुछ है? देखो जी, मेरा इतना तो वो नहीं रहा है, कुछ हो रहा हूँ हाँ, उसमें पढ़ के बता सकूँ उनके पास है, और आप उनसे पूछ सको रिपोर्ट में है जो उसमें है। अभी आपने प्रशासन से वगैरह से कोई एफआईआर वगैरह करवाया? हाँ जी, करवाऊंगे जी। अच्छा, तो क्या कुछ आपकी अपील रहेगी? अपील हमारी यही है कि भाई जो उन्हें हमारे ऊपर जुल्म कराया है, हमारे को न्याय मिलना चाहिए, बस हमारी यही अपील है। तो भाई जो लड़के के पिता है पूरे भावुक है, देखो जितनी बातचीत हो उसकी हमने की। देखो भाई, अगर घर में छोटा मोटा कोई भी विवाद हो ना तो अपना बैठ के सुलझा लो, ये ना हो कि भी ऐसा काम हो जाए कि भी एक बंदा अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ले। और भी कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि भी कैसा लड़का था, कैसा उसका व्यवहार है। मैडम जी, हमारे गाँव का ईश्वर का लड़का था नवीन कुमार, और ये बड़ा बहुत ही शिक्षित बच्चा था। गांव के अंदर इसकी जितनी शराफत की जाए वो बहुत कम है। इसने एक ऐसा ग्रुप भी बनाया था, ये फ्री में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, सारे काम करता था। लेकिन जब से इसकी शादी हुई, वो परिवार ने इतना टॉर्चर किया, इस बच्चे को इतना टॉर्चर किया, बार बार आना, धमकियाँ देनी, उठा ले जाना, बच्चे इनके रुड़ते फिर रहे हैं दोनों के दोनों, एक गुड़िया वहाँ है एक गुड़िया यहाँ है। और उसने जैसा कि मेरे को उनके पेरेंट्स ने बताया है और मुझे गांव के अंदर पता चला है कि उन्होंने इस अपनी वो उसकी पत्नी को नहीं भेजा, और भेजने के बावजूद उसको लगातार फोनों के ऊपर भी उसको टॉर्चर करते रहे। और ये बच्चा समाज के अंदर इतना मायूस हो गया कि इतना लज्जित हो गया कि मैं एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति और मेरी समाज के अंदर इतनी बुरी बदनामी हो रही है। तो ये बच्चा इस चीज़ को माइंड कर गया। आज भी फ़ोन पर सुबह उसने बात हुई उसकी, कोई उन्होंने आज फिर इसको इतने बुरी तरह से वो किया है, और उनकी प्रताड़ना की वजह से इस बच्चे ने सुसाइड की है। और हमारे गांव का बच्चा बच्चा इस परिवार के साथ है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये गांव सुहाना माल चैन से नहीं बैठेगा। और जो जब न्याय मिलेगा उसके बाद हम अगली वो करेंगे, नहीं तो हमारा कदम लगातार प्रशासन के पास जारी रहेगा। लड़के का भाई है नवीन का भाई, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछें क्या भी जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि भाई घर में थोड़ी सी उनके पति पत्नी के बीच थोड़ी अनबन थी, तो पूछें कि भी बीच में कोई समझौता वगैरह करवाने की कोशिश की गई? हाँ जी, कई बार की गई, तो कई बार गांव के पंचायत भी गए उनको लेने, वो आए हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं डटे, 4 साल हो गए थे उनकी शादी को, ज़्यादातर वो वहीं पर रहती थी उनके। नहीं कुछ नहीं, बल्कि उसका साथ दिया गया, उसके फुल दबाव दिया गया मेरे भाई पे, और उसको एक मजबूर किया गया सुसाइड करने में। तो लड़के ने पहले कुछ बताया भी कि भी ऐसा वैसा? नहीं, उसने कई बार उसको बोला, उसकी जो पत्नी उसको बताया भी है सब कुछ, तो कुछ ज्यादा उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा। उसके बाद भी लड़की की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं? हाँ, और कल की थी बात उससे, कल या परसों, उसके बाद से ज्यादा डिप्रेशन में गया। हाँ जी, तो मतलब वो अपने घर ही रह रही थी ज्यादातर शादी होने के बाद? हाँ जी। अब आपको ये बताना रहा फोन वगैरह। धनगाम में एक आत्महत्या करी, वो फांसी लगाई है मास्टर जी ने, क्या कुछ मामला सर? ये मामला ये है जी, हमारे को सूचना मिली थी कि भाई प्रवीण कुमार सुनोबीश्वर ने फांसी फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की है, आप पहुँचे। तो मैं अपने स्टाफ को लेके मौके पहुँचा, तो वहाँ पर प्रवीण कुमार को फांसी फंदा से नीचे उतार कर बरंडा में इन्हें लुटा रखा था। और मेरे पहुँचने के बाद वहाँ सीन ऑफ क्राइम टीम भी पहुँची हमारी, उन्होंने निरीक्षण किया, और मृतक प्रवीण कुमार के पिता ने जो बयान लिखवाया उसकी मौत बारे, उसको लिखा, और उसके अनुसार
मुकदमा दर्ज किया कर लिया गया है और मुकदमा यानी एक इसकी पत्नी और तीन इसके साले और दो इनकी रिश्तेदारी में लगते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पोस्टमार्टम के लिए यहाँ सिविल हॉस्पिटल सफेदों में डेड बॉडी को लेके आए हुए हैं और पोस्टमार्टम अभी होने लग रहा है और कार्रवाई जारी है। हाँ, सुसाइड नोट भी हमने कब्जा पुलिस में ले रखा है, उसमें नाम लिख रखे हैं, उसमें नाम है, एक इसकी पत्नी का है, तीन इसके जो साले हैं वो बाई नेम है। तो भाई ये पूरा मामला था जिसकी वजह से नवीन ने अपनी जो है जीवन लीला समाप्त कर ली। देखो छोटे छोटे मामूली से विवाद भी इतने बड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से बंदा छोटी छोटी बातों को माइंड ले जाता है, और ये बात छोटी नहीं है। लड़की को भी समझना चाहिए कि भी अगर लड़का इतना कोऑपरेट करना कर रहा है तो लड़की को भी थोड़ा कोऑपरेट जरूर करना चाहिए। देखो अब लड़के वालों का क्या हाल है, उसके पिता से बात की, उसके भाई से भी बात की, देखो लड़के वालों की स्थिति है वो तो आप भी समझ सकते हैं, जिनका बेटा चला जाए, भाई चला जाए। तो आप सबसे अनुरोध है कि भी घर में कोई भी अनबन हो तो अपने घर में ही सुलझा ले, ऐसी नौबत ना आए कि भी किसी को अपनी जीवन लीलाएं समाप्त करनी पड़ जाए। तो देखते रहिए मेरे साथ जिंद प्लस न्यूज़। धन्यवाद।